नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् एते नामिने नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णा भूतले श्रीमते भक्ति दवा की नामी नमस्ते देवे गौरवाणी प्रसारिणी निर्विशेष

जय चैतन्य प्रभु श्रीकृष्णा चेतानि प्रभुनिप्यनन्द श्रियद्वैतागदाधर्शीवासाद्विगोर्भक्तवृन्द जय श्रीकृष्णा चैतन्य प्रभुनित्यनान्द श्री अद्वैतागदाधर श्रीवासादिदोर्भक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरि हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविन्द 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 जय जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय राधा गिरि धरि राधा गिरि राधे जय राधा, जय राधा गिरिधारि राधा गिरिधारि राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा रासबिहारी राधा रास बिहारी राधी जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा बाकी बिहारी राधा बिहारी राधे जय राधा बाकी बिहारी राधा बिहारी राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव माधव राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथ ग नयन पथ गामी भगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी नयन पथ गामी जय जय प्रभु पा प्रभु प प्रभु प्रभु जय जय प्रभु पा प्रभु पा प्रभु पा प्रभु पा जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 गाई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलो हरि नाम संकीर्तन की जय शिल प्रभुपाद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवाला भिवर धारी

यमुना वनचारी जय राधा माधव बिहारी जय राधा माधवा बिहारी जय गोपी जनवाला गिरवर धारी जय गोपीजनवालाभ यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव बिहारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती तो आप सभी का स्वागत है गीता क्लास में तो हम अध्याय छ में चर्चा कर रहे हैं ध्यान योग अध्याय श्लोक संख्या तीन से शुरू करेंगे तो पहले हम देखेंगे श्लोक संख्या में दो में हमने क्या चर्चा किया था तो पहले हम श्लोक पढ़ेंगे उसका अनुवाद के साथ और फिर मंगलाचरण के बाद हम श्लोका पर चर्चा करेंगे अध्याय छे श्लोक संख्या दो ध्यान योग श्लोक संख्या दो यम संन्यासम प्राहु योगम तम वेदि पांडव ना ही सन्यस्त संकल्पो संकल्प योगी भवति कश्चन हे पांडुपुत्र जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता श्लोक संख्या तीन आरु रुक्षर योगम कर्म उच्यते अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहा जाता है और शुद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है श्लोक संख्या चार यदा न कर्मस्व अनुस्य न्यासी योग जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्री तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है श्लोक संख्या पांच उद्धरेतात्मनात्मा नात्मानं अवसादये आत्मैव हि आत्मनो रिपुरात्मनः मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी श्लोक संख्या छंधुरात्मा बंधुर्मा आत्म, अनात्मनस्तु जीत अनात्मस्तु शत्रुता शत्रुत जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा श्लोक संख्या सात जीतात्म परमात्मा तथा जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। श्लोक संख्या आठ ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो युक्त इति उच्चते योगी समलोष्ट्रास्म कांचन वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूत से पूर्णतया संतुष्ट रहता है ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है वह सभी वस्तुओं को चाहे वे कंकड़ हो पत्थर हो या कि सोना एक समान देखता है श्लोक संख्या नौ अपिचा पापेशु ते जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों प्रिय मित्रों तटस्थों मध्यस्थों ईर्षालुओं शत्रुओं तथा मित्रों पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है श्लोक संख्या दस आत्मान रहित चेतात्मा निराशीर अपरिग्रह योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने वन को, अपने मन को वश में करे आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए श्लोक संख्या ग्यारह और बारह सुचौदे से प्रतिष्ठा स्थिर आसनम आत्मन नाति उचृतम नाति नीचम शयलाजेन कुशोत्तरम तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यत चितेंद्रिय क्रिया उपविश्याशने युञ्जात् योगं आत्मविशुद्धये योग अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर से उसे मिघमिर छाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा यह पवित्र स्थान में स्थित हो योगी को चाहिए कि इस पर पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे श्लोक संख्या तेरह और चौदह समम काय शिरोग्रीवम धार्यन अचलम स्थिरः संप्रेक्षनासिकाग्रं स्वं दिशश्चनावलोकयन् प्रशांतआत्म प्रशांतआत्म विगतभि ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मचित्तो य आशीत मत पर योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए इस प्रकार वह अवचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए ओम ज्ञानतिमिरान्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकय चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितां तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनाश्चैतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नितिनामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणि हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता, राधाकान्तनमस्तु ते तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री श्रीकृष्णा चैतन्या प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे राम 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 हरे हरे आप सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास में तो हम अध्याय छे ध्यान योग पर चर्चा कर रहे हैं श्लोक संख्या तीन में है श्लोक संख्या दो में हम देखेंगे कि क्या हमने चर्चा किया था श्लोक संख्या तीन यम इति प्राहु योगम तम विधि पांडव ना ही संकल्पो योगी भवती कश्चन। हे पांडुपुत्र जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता तो भगवान यहां बता रहे हैं कि आ, अगर आप स्वेच्छा से जंगल चले भी जाएं और आपको मन में जो भौतिकता है वो उसका आपने परित्याग किया ही नहीं तो वो संन्यास पे ना जाने के बराबर तो भगवान यहां बता रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन अगर आप घर में ही रहकर अपने कर्म फल का परित्याग कर दें तो वो भी संन्यास के तुल्य है तो वैसे भी जो है प्रभुपाद बताते हैं कि जो कलयुग में सन्यास जो है वर्जित है तो जो लोग सन्यास लेते भी हैं वो प्रचार प्रसार के लिए प्राप्त कर ली है और संयमित मन से प्रचार प्रसार में अपना समय देते हैं उनके लिए वो प्रचार प्रसार के लिए सन्यास ले सकते हैं ऐसा प्रभुपाद ने हमें बताया है तो हमें उसका जो है पालन करना चाहिए तो हमें क्या करना है हम घर में रहकर भी संन्यास ले सकते हैं हमें क्या करना है हमने हमारी इच्छाओं को जो है वो संयमित करना है। भगवान की भक्ति में लगाना है संयमित कभी होगा जब आप भगवान की भक्ति में लगाएं क्योंकि मन जो है वो चंचल होता है बहुत ज्यादा स्पीड होती है उसकी आप खाली सोचें और उसके पहले मन जो है पहुंच चुका होता है तो मन अभी यहाँ है अगले पल लंदन पहुंच जाता है आप फिजिकली यहाँ होते हैं लेकिन मन बहुत लंबा चला जाता है तो मन जो है वो चंचल होता है तो मन की चंचलता को हमें कंट्रोल करना है संयमित करना है तो हम कैसे कर सकते हैं हम मन को संयमित करने के लिए हमें जो है भक्ति करनी होगी भक्तों के संग रहना होगा तो जब आप भक्ति करते हैं तो फिजिकली आप अपने आप को जो है भक्ति के मार्ग में भक्ति के कार्यों में लगा के रखते हैं तो जब आप भक्ति के कार्यों में लगे रहते हैं तो मन फिर भी जाएगा इधर उधर धीरे 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 वो जो है कंट्रोल में आता है और आप जो कार्य कर रहे हैं मन वही रहेगा इस तरह से हम जो है मन को भक्ति में लगा सकते हैं उसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि जो है हमारा पोजीशन क्या है हमारा ये जन्म जो है मनुष्य का जन्म हुआ ही क्यों है हम इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं वो भी कलयुग में मनुष्य के रूप में आए है. तो बोलते हैं ना कि बड़े भाग मानुष तन पा तो इस कलयुग में जो जन्म मिला है ये हमें भक्ति करने के लिए मिला है लोग बोलते हैं खाओ पियो मजा करो ये जो मंत्र है ना ये गलत मंत्र है सही मंत्र कौन सा है हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा, रामा हरे हरे तो ये सही मंत्र है इसका हमें जप करना है जब हम इसका जप करेंगे तो हम फिजिकली मेंटली मन से तन से हम जो है धीरे धीरे अपने जीवन को संयमित बना सकते हैं तो हमें क्या करना है हमें अपने पोजीशन को समझना है हमारा संबंध भगवान के साथ क्या है इस चीज को समझना है तो जब आप इस चीज को समझ जाएंगे ना तो आप भक्ति करने लगेंगे तो आप जो है मनुष्य जन्म का जो महत्व है वो समझने लगेंगे तो योगी जन जो है कैसे करते हैं वो योगी जन जो है अपने मन को कंट्रोल करते हैं और विभिन्न प्रकार के अभ्यास करते हैं भगवान के बारे में चर्चा करते हैं हा? और जो है लोगों को भी अपने शिष्यों को भी उसमें इन्वॉल्व करते हैं ताकि वो भी भाग लें और उनका भी उद्धार हो सके आ, आज एक गुरु है कल दूसरा गुरु होगा तो सभी गुरु जो है परंपरा से जुड़े होना चाहिए तो अगर एक पेड़ हो और उस पेड़ में बहुत सारी शाखाएं और एक शाखा को तोड़कर अगर नीचे गिरा दिया जाए तो फिर वो पेड़ का भाग नहीं रह गया उसी तरह से हमें जो है परंपरा से जुड़े रहना है परंपरा से अलग नहीं होना है परंपरा से अगर हम अलग हो गए हम खुद को गुरु मानने लगे तो फिर जो है आप गलत प्रचार प्रसार करने लगेंगे और आप जो है भौतिकता में अटक जाएंगे तो हमारे गुरुओं ने प्रभुपाद जी ने आ? तो यही बताया है हमारे आचार्यों ने हमारे शास्त्रों में यही लिखा है कि गुरु परंपरा का पालन करना चाहिए तो हमारा कोई अलग अस्तित्व नहीं है हम जो है भगवान के ही अंश हैं हम पार्ट और पार्सल भगवान के हैं तो हमें भगवान एक वृक्ष और हम जो है, हम जो उसमें सब एक शाखाएं हैं उसमें कुछ अंश हैं अंश मात्र है तो हम अगर उस पेड़ से अलग हो जाएंगे अगर भगवान पेड़ हैं तो उस पेड़ से हम अलग हो जाएंगे तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा तो हमें अपना संबंध भगवान के साथ बनाना है तो कलयुग में हम अपना संबंध भगवान के साथ कैसे बना सकते हरिनाम लेकर हरिनाम लेकर हम भगवान के साथ अपना संबंध रिवाइव कर सकते हैं हम फिर से बना सकते हैं क्योंकि हम इस भौतिक दुनिया में आकर माया जाल के तमाम नाना प्रकार के माया जाल में फंस चुके है हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए इच्छाओं के महासागर में गोते लगा रहे हैं तो इच्छाओं के महासागर में गोते लगाने से इच्छा कभी पूरी नहीं होगी आज मुझे सौ मिल गया तो मुझे दो सौ चाहिए चार सौ चाहिए, सौ चाहिए, ऐसे मन जो है है बढ़ते जाता है। और उसी में हम फंसे रह जाते हैं तो हमें क्या करना है जितनी हमारी आवश्यकता हो हम खाली नहीं बैठ सकते निष्क्रिय नहीं बैठ सकते हमें हमारा पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है तो आप अपना पेट पालने भर का जो भी करना है वो करिए लेकिन हरि नाम करते रहिए तो आप जो भी कार्य करेंगे वो शुद्ध रहेगा उसमें कोई कलंक नहीं लगेगा तो जो है जो भौतिक संसार में लोग हैं वो अपने जो है अपने अपने स्वार्थ के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं जैसे योगी हो गए योगी जो है अपने स्वार्थ के लिए कोई मेडिटेशन करेंगे हा? और कुछ उनको सिद्धि मिल जाए फिर वो सिद्धि का वो भौतिकता के अर्जित करने के लिए उसका प्रयास करते हैं हुँ? लेकिन आ एक भक्त जो होता है वो भगवान के शरण में पूरी तरह से अपने आप को न्यौछावर कर देता है तो जो भक्ति करते हैं जो भक्ति करते हैं उन्हें जो उनका जो ज्ञान है वो शुद्ध होता है उनका ज्ञान शुद्ध क्यों होता है क्योंकि वो अपने ज्ञान को भक्ति में लगाते हैं भगवान के प्रशंसा करने में लगाते हैं भगवान की कथा करने में लगाते हैं हा? और लोगों की सेवा करते हैं जब हम भगवान की कथा बोलते हैं तो जो लोग सुनते हैं उनका भी उद्धार हो जाता है और जो बोलता है उसका भी उद्धार हो जाता है और अगर उसमें किसी ने प्रश्न पूछ लिया तो उसका भी उद्धार हो जाता है इस तरह से हम लोगों को एक कड़ी, है। गुरु जो है न, एक कड़ी है इस कड़ी में हमें लोगों को जोड़ना है इसमें कोई खर्चा नहीं है कोई पै... खर्चा नहीं है लोग बोलते हैं ना मंदिर जाएंगे तो हमें पैसा देना पड़ेगा कोई खर्चा नहीं है आप मंदिर जाइए आपसे जितना हो सके उतना दान करिए आप अपना पैसा दान करेंगे तो वो आपकी कमाई शुद्ध हो जाएगी क्योंकि मंदिर में हम जो दान दक्षिणा देते हैं वो भगवान की सेवा में ही लगाया जाता है भगवान के भक्त जो है अब भगवान की सेवा में लगाते हैं भगवान की सेवा में लगाएंगे भगवान के आ, के लिए जो वस्त्र भगवान पहनते हैं उनके श्रृंगार में जो खर्चा आता है उनके लिए फूल माला जो होता है भगवान का भोग बनाने के लिए जो खर्चा आता है जो महाप्रसाद होता है और बाकी के लोग भी वो महाप्रसाद लेते हैं और तो उनकी भी शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है इसलिए क्या करना है हमें हमें इस कड़ी से जुड़ना है और कैसे जुड़ सकते हैं हम अपने कर्म फल से अपने कर्म फल का परित्याग कर दें हुँ? और इच्छाओं के महासागर में गोते लगाना बंद कर दें तो हमारा जो है उद्धार हो जाएगा तो भगवान बताते हैं यहाँ पर कि ये जो योगा है ना एक सीढ़ी के समान एकदम से आप भक्ति में प्रेम में नहीं लग सकते उसके लिए सीढ़ी है क्योंकि कलयुग है कलयुग है हम जो है बाय डिफॉल्ट या फिर बोलो कि जो है प्राकृतिक रूप से हम जो है भौतिकता में लगे हुए हैं भौतिकता को अर्जित करने में लगे हुए हैं तो हमारा समय उसी में जाता है तो हमें क्या करना है जो है अपने आप को भक्ति में लगाना है भक्ति में लगाने के लिए आपको पहले भक्तों के संग में रहना पड़ेगा हम्म तो अभी आप जो है भक्तों के संग में रहेंगे भगवत गीता पढ़ेंगे भागवतम पढ़ेंगे सुनेंगे चर्चा करेंगे तो आपका जो है बोलना सुनना आपकी जितनी इंद्रिय क्रियाएं हैं वो धीरे धीरे शुद्ध होते जाएंगे तो भगवान तो जो है कहीं से भी आपके अंदर आपके हृदय में प्रवेश कर सकते हैं आपके आंखों से प्रवेश कर सकते हैं आपके कान से प्रवेश कर सकते हैं अगर आप तुलसी पत्र का जो है सूंघते हैं तो आपके नाक से प्रवेश कर सकते हैं आप महाप्रसाद अपने मुख से खा खाते हैं तो भगवान महाप्रसाद के रूप में आपके हृदय में प्रवेश करते हैं हम्म hmm? और आप जब चल के धाम में जाते हैं ha? और अपने हाथ से भगवान की सेवा करते नाना प्रकार से आप अपने आप को जो है भक्ति में लगा सकते हैं तो हम जो अपना कर्म करते हैं अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तो वो कर्म कांड कहा जाता है क्योंकि अपेक्षा रखते हैं ये मेरा काम है मैं कमा रहा हूं जो मिलेगा मैं एंजॉय करूंगा इससे मैं ये करूंगा मुझसे तो आया सौ तो रुपए, लेकिन प्लान जो है पांच सौ रुपए का है हजार रुपए का है अच्छी बात है ऐसा प्लान करना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन जितनी की आवश्यकता हो और बाकी जो लक्ष्मी आती है धन आती है भगवान की सेवा में भी लगाया जाना चाहिए तो आप जब इस तरह से अपने अपनी क्रियाओं को भगवान के साथ जोड़ेंगे तो वो कर्मयोग बन जाता है फिर वो उसे बोलते हैं निष्काम कर्मयोग हा? तो आपको क्या करना है कमाइए हजार रुपए कमाइए दो हजार कमाइए लाखों करोड़ों कमाइए लेकिन कर्म फल की इच्छा से बचे रहिए उस भगवान की सेवा में भी लगाइए असल लक्ष्मी आना बुरी बात नहीं है तो लक्ष्मी जहां है लक्ष्मीपति भी तो वही हैं। उनका भी ख्याल करिए है ना तो लक्ष्मी आई तो लक्ष्मीपति की सेवा में लगाना चाहिए उसे तो जो ये ज्ञान योग है ना तो ज्ञान योग जो है आप धीरे धीरे अपने ज्ञान को भगवान की सेवा में लगाते हैं यज्ञ करते हैं अनुष्ठान करते हैं हा? और भागवतम का पाठ करते हैं भागवतम की कथा का आयोजन करते हैं भगवान भगवान भागवतम की कथा में हिस्सा लेते हैं ह आप कुछ दान दक्षिणा करते हैं प्रसादम का वितरण करते हैं तो इस तरह से आपका जो ज्ञान है वो भगवान के सेवा में लग जाता है फिर धीरे धीरे आप ब्राह्मण परमात्मा ऐसे आगे आगे योग की सीढ़ी पर सवार होकर आगे बढ़ते जाते हैं तो ये जो अष्टांग योगी होते हैं जो ध्यान योगी होते हैं अपने मन को एकदम संयमित कर लेते हैं एकदम कंट्रोल कर लेते हैं और जो है धीरे धीरे भगवान के बारे में सोचने लगते हैं भगवान की लीलाओं का ध्यान करने लगते हैं और फिर धीरे 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 भक्ति मार्ग पर आ जाते हैं कृष्ण की प्राप्ति के पास आ जाते हैं और भगवान को प्यार करने लगते हैं भगवान को प्रेम करने लगते हैं वो स्टेज पे आप क्रियाओं का करना बंद कर सकते हैं जैसे भौतिकता में कोई सन्यास लेता है तो क्या करता है सब काम छोड़ के जाके जंगल में बैठ जाता है वहां पर मेडिटेशन करता है तो लेकिन वो भौतिकता उसको छोड़ती नहीं है क्योंकि उसने प्रैक्टिस तो किया ही नहीं कभी कभी भक्तों का संग किया ही नहीं कभी मंदिर गया ही नहीं वहां दान दक्षिणा किया ही नहीं वहां सेवा किया ही नहीं तो वो भौतिकता लगी रहती है तो वो जंगल जाके भी भौतिकता को ही अपने अंग में लेके जाता है तो वहां पर जाके क्या करेगा फिर वो अपने उस तपस्या को भौतिकता कैसे अर्जित की जाए उसमें लगा देगा हम्म क्यों क्योंकि आपने कभी परित्याग किया ही नहीं उसका आपने उसका प्रैक्टिस किया ही नहीं तो हम तो ह्यूमन बीइंग है हम मानव है हमारे अंदर देवता दानव दोनों बैठे हुए हैं तो हम जब शुद्धिकरण की प्रक्रिया इसीलिए की जाती है हरिनाम जो है इसीलिए किया जाता है आप हरिनाम करते रहिए तो आपके अंदर जो वो कर्म फल की जो इच्छा है ना वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है तो क्या करना है हमें प्रभुपाद ने बोला है चेंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी प्रभुपाद ने बोला है बस महामंत्र बोलते रहिए कि मंत्र नहीं है ये महामंत्र है कलयुग का महामंत्र है चैतन्य महाप्रभु कितने दयालु हैं जो आए और हम सबको ये मंत्र देके गए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तो इस तरह से जो है योग की ये जो सीढ़ी है किसी के द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर पाएगा सब कर सकते हैं लेकिन हमें एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए जाना है भक्तों का संग कैसे हो ये हमका हमको इसका विचार करना है श्लोक संख्या तीन आरु रुक्षोर योगम कर्म उच्यते योगारू समह योगारूढ़ उच्यते। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग शुद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्य कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है यहां पर भगवान बता रहे हैं कि जो योग होता है ना उसके अलग अलग लेवल हैं। तो योग है क्या योग का मतलब होता है आप किसी चीज को भगवान के साथ जोड़ते हैं कर्म को जोड़ते हैं तो कर्म योग बन जाता है ज्ञान को जोड़ते हैं तो ज्ञान योग बन जाता है भक्ति को जोड़ते हैं तो भक्ति योग बन जाता है तो ये योग जो है ना ये एक सीढ़ी के समान है आप जंप करके नहीं जा सकते सीढ़ी पर अगर आप जंप करेंगे तो क्या होगा सीधा आप नीचे आ जाएंगे एकदम फ्लैट हो जाएंगे इसलिए हमें जंप नहीं करना है सीढ़ी में जितने भी प्लेट लगे हुए हैं जितने भी लगे हुए हैं आपको एक एक करके ही चढ़ना है तो ये कहां से शुरू होता है एकदम नीचे से पहली जो सीढ़ी है वो पहली सीढ़ी कैसी होती है हम एकदम भौतिकता में सने हुए हैं हमें क्या हमें क्या करना है एकदम ऊपर जाना है भौतिकता में सने हुए हैं और वहां से चढ़कर हमको एकदम ऊपर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा और ये जो है भक्तों का संग करना पड़ेगा और ये जो सीढ़ी है ना ये तीन भागों में डिवाइड की गई है कौन कौन सी है ज्ञान योग ध्यान योग और भक्ति योग तो पहले आपको ज्ञान लेना होगा ज्ञान मिलेगा कहां से ज्ञान मिलेगा भक्तों के संग से तो ये जो एकदम शुरुआत का स्टेज होता है उसको बोलते हैं योगा आर एकदम शुरुआत के स्टेज उसको बोलते हैं योगा आर वृक्ष योग आर तो हम धीरे धीरे फिर सीढ़ी चढ़ना प्रारंभ करते हैं क्या करेंगे हम पहले हम जो है कुछ आसन करेंगे कुछ मेडिटेशन करेंगे हाँ, महामंत्र पढ़ना शुरू करेंगे भक्तों का संग करना शुरू करेंगे धीरे 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 और ये हमें धीरे धीरे जो है हमारे मानसिक संतुलन को बनाती है देखो मानसिक मन को संतुलित करना बहुत ही जरूरी काम है अगर आप मन को संतुलित नहीं करेंगे हुँ? आप भौतिकता से डायरेक्ट जंगल में चले जाएंगे कि मैं अब सब कुछ छोड़ दिया सन्यास लेके जा रहा हूं भाई आप अपने शरीर को लेकर जा रहे हो अपने मन को लेके जा रहे हो उसको तो शुद्ध किया ही नहीं आपने हो सकता है आपने ऊपर से भगवत धारण किया हो हुँ? लेकिन आपका मन तो वैसे ही बना हुआ है आपने उसको किसी शुद्धिकरण में लगाया ही नहीं वो तो गंदा का गंदा ही रह गया है ना तो हमें उस मन को करना पड़ेगा तो जब आप ये सब मेडिटेशन करते हैं भगवत गीता पढ़ते हैं भक्तों का संग करते हैं तो क्या होता है ये शुद्धिकरण पुरुष है आप अपने मन को जो है संतुलन में लाने का प्रयास कर रहे हैं तो तो धीरे धीरे आपका जो मन जो एकदम डिस्टर्ब हो गया था धीरे धीरे संतुलित होना करता है तो जो लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं वो हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते रहते हैं कृष्ण कथा करते हैं कृष्ण की लीलाओं के बारे में चर्चा करते हैं पढ़ते हैं सुनते हैं आजकल तो सुनने के कितने साधन हैं। आप YouTube पे जाके लेक्चर सुन सकते भाई लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है समय नहीं है तो फिर समय तो फिर प्रभुपाद उसके लिए आ, अच्छे से बोल के गए हैं कि तो वह समय नहीं है जो बोल रहे हैं समय नहीं है ना फिर अगला जन्म उनको ऐसा मिलेगा ना कि समय समय ही रहेगा उनके पास कुत्ते बिल्ली का जन्म जो होता है तो कुत्तों के पास कितना समय रहता है घूमते रहते हैं तो और तो जो लोग जो है कृष्ण भक्ति करते हैं वो हमेशा अपने आप को कृष्ण भक्ति में लगा के रखते हैं और जब भक्ति में लगा के रखते हैं तो आपका जो ध्यान है वो इधर उधर नहीं जाएगा भौतिकता में नहीं जाएगा तो वैसे जब मनुष्य जन्म लेता है और अपने कर्मकांड करता है तो वो करता क्या है एक्चुअली तो हमारे मनुष्य और पशु में फर्क क्या है देखो हम क्या करते हैं हम खाते हैं ईटिंग करते हैं हम सोते हैं स्लीपिंग करते हैं हाँ हम जो है मेटिंग करते हैं हम जो है मैथुन क्रिया करते हैं और हम क्या करते हैं अपनी सुरक्षा करते हैं तो पशु भी तो यही करते हैं तो आप पशु और इंसान मनुष्य में फर्क क्या हो हम हम्म बोलते हैं हम बुद्धि है हमारे पास ज्ञान है लेकिन आप उस बुद्धि और ज्ञान को भौतिकता में ही लगा रहे हो तो आपको उस बुद्धि और ज्ञान को शुद्ध करना है शुद्ध कैसे होगा भक्तों का हाँ, गुरु साधु शास्त्र का पालन करने से आचार्यों को सुनने से आचार्यों की सेवा करने से आपको जो है ज्ञान और बुद्धि शुद्ध ज्ञान और बुद्धि आपको मिली है विरासत में मिली है लेकिन वो उसको शुद्ध करना पड़ेगा बिना शुद्धिकरण के वो सब बेकार है श्लोक संख्या चार कर्म सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है ना सकाम कर्म में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है न? तो योगा लेवल से शुरू करके योगा रूढ़ पर जो पहुंच जाता है वह जो है सफल योगी माना जाता है आप इस भौतिक संसार में भी रहकर ये योगा रूढ़ लेवल तक पहुंच सकते हैं तो भगवान यहां बता रहे हैं कि योगा रूढ़ जो स्टेज है योगा रूढ़ स्तर है ये क्या है तो जो योगा रूढ़ स्तर पे आ जाता है ना वो अपनी सारी भौतिकता को पीछे छोड़ देता है कैसे पीछे छोड़ता है वो वो अपने सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा चुका होता है और भुक्त भोगी वाली जो ये होती है ना वो उससे दूर हो जाता है अभी क्या है देखिए जो भुक्त भोगी होते हैं उनके पास भी लक्ष्मी होती है और जो योगा रूढ़ तक पहुंच गए हैं उनके पास भी लक्ष्मी होती है लक्ष्मी छोड़ती नहीं है क्योंकि वो लक्ष्मीपति की सेवा कर रही हैं तो जहां पर लक्ष्मीपति है लक्ष्मी वहीं पर है लोग बोलते हैं कि भाई दो हम तो धंधा करते हैं हम बहुत कुछ बेमानी करते हैं हम भगवान के पास जाएंगे तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा हम्म लक्ष्मी आना बंद हो जाएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है ये जो है भ्रांति है सिर्फ हमारे गुरुकुल को बंद कर दिया गया तो हमें वो जो शिक्षा है जो हमें विरासत में मिलनी चाहिए थी बचपन में मिलनी चाहिए थी हम उस चीज को मिस कर रहे हैं इसलिए तरह तरह की भ्रांतियां जो है समाज में फैल गई लोग अपने धर्म को उल्टे सुलटे विचार से सोचते हैं और वही चीज फिर उनके बच्चे भी करने लगते हैं फिर धीरे 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 पूरा कल्चर जो है पूरा संस्कार बिगड़ जाता है तो हम संस्कार बना कहाँ से रहे हम संस्कार बना रहे हैं टीवी देख के पिक्चर देख के बस टीवी और पिक्चर ये किनके हाथ में है टीवी और पिक्चर ये जो है राक्षसों के हाथ में है विधर्मियों के हाथ में है आप विधर्मियों को देखकर अपना लाइफ कैसे बना सकते तो फिर आप वही कैटेगरी में चले गए तो इस तरह से गुरु साधु शास्त्रों का पालन करना चाहिए तो जो योगा रूढ़ स्टेज पर चले जाते हैं ना वो सब इन सब चीजों को पीछे छोड़ देते हैं क्यों पहले वो भी वही थे लेकिन धीरे 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 वो जो है भक्तों के संग से योगा रूढ़ स्टेज तक स्तर तक पहुंच जाते हैं न? और ये जो योगा रूढ़ पर स्टेज पर जो पहुंच चुके होते हैं वो क्या करते हैं अपने आप को किसी भी भौतिक कार्य में जिसमें कर्मफल लगा हो नहीं लगाते तो उससे क्या होगा उन्हें जो है भौतिकता पीछे नहीं पड़ेगी और धीरे 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 योगा रोड स्टेज तक वो पहुंच जाते हैं तो ये जो योगा रूढ़ स्टेज है ये कैसे प्राप्त किया जाता है ऐसा तो नहीं भाई शाम को सोए सवेरे उठे मैं योगा रोड में आ गया ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है तो वो क्या करता है हमेशा खुश रहता है वो खुश कैसे रहता है प्रभुपाद ने हमें कहा है ना चैन हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे प्रभुपाद ने हमें महामंत्र दिया प्रभुपाद को महामंत्र जो है उनके गुरु से मिला उसे गुरु 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 करके फिर हमें चैतन्य महाप्रभु ने यह महामंत्र दिया तो कितने दयालु हैं चैतन्य महाप्रभु इस महामंत्र से हम मानवों को जो है भगवत धाम भेजने का एक जो है उन्होंने शस्त्र दे दिया भाई ये शस्त्र है आप इसका यूज करो और भगवत धाम पहुंच जाओ तो सो इसलिए हमें क्या करना है महामंत्र का जप करना है तो उससे क्या होगा हमको खुशी मिलेगी हमें हमारा जो हम अंतर मन खुश हो जाएगा तो आपको भौतिकता की वजह से जो हमेशा क्लेश पीछे पड़ा रहता है ना कलयुग में कलयुग मतलब क्या कला है युग है यहाँ कला होते हैं झगड़े होते हैं आप जितना भौतिकता ले लेंगे ना उतना झगड़ा होगा बोलते हैं ना घर में जो है सोना चांदी ज्यादा पैसा नहीं रखना चाहिए उससे क्या होता है झगड़े होते हैं। तो आप ज्यादा कमाएंगे तो भी झगड़े होने वाले हैं और ज्यादा भौतिकता की डिग्री भी ले, ले लेंगे तो भी झगड़े होने वाले और जो पढ़ाई लिखाई आपने की वो शुद्ध नहीं है तो आपको उसे शुद्ध करना पड़ेगा इसलिए हमें जो गुरुकुल में जो सिखाया जाता था वो बचपन में वो सिखाना जरूरी था क्योंकि वो हमारे पास आगे चलकर हम कोई भी व्यावसायिक पढ़ाई करेंगे तो हमारे संस्कार हमारे साथ रहते थे तो हमारे संस्कार जब हमारे साथ रहते थे तो हम उस संस्कार से हम इस जीवन में पेश आते हैं और हम जब पेश आते हैं तो हमारे बच्चे हमारे छोटे बच्चे वो भी हम हमको देखकर सीखते हैं आप यहाँ पर तो भाई बाप बेटे दोनों जाके पिक्चर देख रहे हैं तो पिक्चर देखने से कौन सा संस्कार मिलने वाला है भाई मैंने पूछा एक बार कि आप पिक्चर क्यों देखते हो तो बोलते हैं एंजॉय होता है ये जीवन तो एंजॉय करने के लिए मिला ही नहीं है अब ये कैसे बताया जाए लेकिन अभी ये डायरेक्ट अभी किसी को बोलेंगे भाई ये जीवन जो है एंजॉयमेंट के लिए नहीं है तो लोग विश्वास नहीं करेंगे नहीं भाई मैंने कमाया है मैंने मेहनत किया है मैंने बहुत पढ़ाई की है पीएचडी किया है मैंने हाँ बहुत मैंने दिन रात ये करके आई आई किया है भाई आईआईटी से पीएचडी करना कोई गलत नहीं है लेकिन आपके जो कर्म हैं वो शुद्ध होने चाहिए आपके कर्म शुद्ध नहीं होंगे आप जो है बाय हुक और क्रुक पैसे कमाएंगे पैसा आएगा गलत तरीके से तो गलत जगह पर ही जाएगा तो भगवान यहां बता रहे हैं कि जो है ये जो भक्त होते हैं वो हमेशा अपने आप को भक्ति में लगा के रखते हैं तभी तो योगा रूढ़ तक पहुंच पाते हैं वो तो योगा रूढ़ पे जो पहुंच जाता है उनके काम क्या होते हैं क्या करते हैं वही काम करते हैं जो हम भौतिक में करते हैं सब कुछ हमें लगेगा ये जो बगल वाला है ये भी भौतिकता में है और उसके बगल वाला जो भक्ति कर रहा है वो भी वही कर रहा है लेकिन जो भक्ति कर रहा है वो सब कुछ भगवान के लिए कर रहा है हाँ? वो कमाने के लिए जा रहा है तो अपनी कमाई से भगवान की सेवा कर रहा है वो घर से, घर से पर अन्न लेके आ रहा है प्रसाद बना रहा है भगवान को भोग लगा रहा है हाँ? भगवान को भोग लगा के तब वो महाप्रसाद खा रहा है हु? और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा वो मंदिर की सेवा में भी लगाता है और जो है वो भगवत गीता भागवतम चैतन्य चैतन भाग, शेतन, भाग ने हमने हमें कितने सारे साहित्य दिए हैं इन शास्त्रों का हमें अध्ययन करना चाहिए तो इससे क्या होगा हमारी जो क्रियाएं हैं ना वो शुद्धिकरण प्रोसेस में आ जाएंगे धीरे 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 वो शुद्ध हो जाएंगे हाँ तो और हमें महामंत्र का जाप करते रहना है हु? तो जब वो दो दोस्त मिलते हैं तो कृष्णा के बारे में ही बोलते हैं कृष्ण लीला की चर्चा करते हैं देखो हमारे कृष्णा कैसे हैं हमारे कृष्णा कितने दयालु हैं उन्होंने हमें इतनी सुंदर दुनिया दी है हम इस सुंदर दुनिया को कैसे भोग सकते हैं भगवान को याद करते हुए हम्म तब अब छोटा छोटा बच्चा है अगर उसकी माँ उसको खिला भी रही है खेल रही है उसके साथ उसके साथ भी वो महामंत्र पढ़ रही है कृष्णा के बारे में बता रही है कृष्ण कथा कह रही है तो उस बच्चे का जो है संस्कार भी वैसे बना जाता है बनाना क्या है हमारा तो जो संबंध है भगवान के साथ वो शाश्वत है वो कभी जो है कभी खत्म नहीं होता है हम खत्म हुआ ही नहीं है हम भूल गए हैं हम भटक गए तो जब हम कहीं किसी जगह पर जाते हैं भटक जाते हैं तो हम क्या करते हैं किसी को पूछते हैं कंफर्म करते हैं भैया ये बराबर जा रहा हूं क्या मैं ये जो रास्ता है वहां लेके जाएगा क्या उसी तरह से हम भटके हुए लोगों को भक्तों का संग करना है तो भक्त हमें बताएगा कि भाई तो क्यों तो तुम कितने पानी में हो कौन से रास्ते पे जा रहे हो क्या सही है क्या गलत है भाई जब कपड़ा गंदा हो जाता है तो हम साबुन ही का यूज करते हैं ना उसको साफ करने के लिए हाँ हम बोले कि हम ऐसे साफ कर लेंगे तो नहीं होगा ना हम्म तो अभी कुछ लोगों को बोलो कि भाई मंदिर जाओ बोलते नहीं हम यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर हैं यूट्यूब पे भगवत गीता है हम पढ़ लेंगे यूट्यूब पे तो बहुत कुछ है आप जाएंगे भगवत गीता खोलने तो पता नहीं आप क्या खोल गए और दूसरा कुछ देख लेंगे हाँ क्योंकि जो हमारा संस्कार है वो बिगड़ा हुआ है उस संस्कार को सुधारने के लिए हमें भक्तों का संग करना ही होगा मंदिर जाना ही होगा कृष्ण कथा सुनना ही होगा तभी हमारी शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो है शुरू हो पाएगी तो यह जो है भगवान बता रहे हैं कि श्लोक संख्या चार में कि ये यो जो योगा रूढ़ वाले होते हैं ना उनके क्या गुण होते हैं वो क्या करते हैं क्या करके वो जो है योगा रूढ़ स्तर तक पहुंचे हुए हैं आगे जो है श्लोक संख्या पांच से नौ में भगवान बता रहे हैं कि जो है रूढ़ का मतलब क्या है योगा रूढ़ का मतलब जब आप योगा रूढ़ स्टेज पर पहुंच गए भगवत प्राप्ति में एंटर कर दिए आप तब क्या होगा तब आप उस समय अपना कर्म छोड़ सकते हैं वही जो एक सन्यासी बनने के लिए भौतिकता में रहने वाला मनुष्य डायरेक्ट जो है जाके जंगल में तपस्या करना शुरू कर देता है बिना अपने हृदय से भौतिकता को त्यागे अब जो है योगा रूढ़ पर पहुंचने के बाद ये यो तो योगा रूढ़ योगा से योगा रूढ़ मतलब जो शुद्धिकरण की पूरी प्रोसेस थी जो था उसने पूरा फॉलो किया अब जब योगा रूढ़ पे पहुंच गया है वहां पर वो कर्म करना बंद कर सकता है तो ये जो है आगे आने वाले श्लोकों में श्लोक संख्या पांच से नौ में हम देखेंगे तो हम यहां पर अपनी वाणी को भी विराम देंगे किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे वाचा कल्पतरूभिधुभ पति पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्रीअद गदाधर शिवासादि गौरभक्तंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे भगवत गीता की जय शिल प्रभुपाद की जय मिताई गौर प्रेमनंदे हरे हरे